हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने ये वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, क्या क्या सिनारियोज है, सभी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। जस्ट लाइक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, द इवोल्यूशन ऑफ एन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, दिस कैन कंसिडर अ माइल स्टोन। के डिफरेंट माइल स्टोन इन देंस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर है, कि माइल स्टोन स्पेसिफिक जो लेवल्स हम रीच करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम माइल स्टोन यहाँ पे डिसाइड कर दिए। तो कौन कौन से डिफरेंट माइल स्टोन या डिफरेंट मेजर फैक्टर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर है वो देखेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ एन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इट इज एन कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर दैट अपीयर्स टू इट्स यूजर एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। ये और एक जैसे लाइक डेफिनेशन हम इसके अंदर देख सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज एन मल्टीपल, जैसे लाइक कि इसके अंदर डिफरेंट मल्टीपल जो सिस्टम्स होंगे, मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे ऑन मल्टीपल लोकेशन एट डिफरेंट लोकेशन, बट यूजर ट्रीटेड एज अ सिंगल सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे सिंगल कोहेरेंट सिस्टम का जो एग्जांपल दिया है उन्होंने, सेम जैसे कि कोई भी सिस्टम हम यूज करेंगे एज अ यूजर को क्या लगने वाला है कि एक एट अ सिंगल सिस्टम के ऊपर हम वर्क करें, कि उसके बिहाइंड द कंसेप्ट कि मल्टीपल सिस्टम एज अ कलेक्शन वर्क होने वाले, बट यूजर बिहेव एज अ यूजर सिंगल सिस्टम। जैसे लाइक आप नॉर्मल आपका पीसी का एग्जांपल देख सकते हो कि पीसी के अंदर आपको क्या सिंगल इंटरफेस मिलता है, तो उसके पीछे कितने नंबर्स ऑफ कंपोनेंट है, कि जैसे कि नंबर्स ऑफ रैम्स, नंबर्स ऑफ हार्ड डिस्क, नंबर्स ऑफ प्रोसेसर्स एट अ टाइम वर्क करते हैं। बट जो यूजर होगा उसको जैसे लाइक यूजर को लगने वाला है कि हम एक सिंगल सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर डायनामिक। डायनेमिक मीन्स वॉज एन स्टैटिक मीन्स होता। डायनेमिक इफ आपको समझना है तो उसके लिए जो स्टैटिक वाला कंसेप्ट है वो भी आपको थोड़ा सा समझ के लेना पड़ेगा। जैसे कि स्टैटिक एज इट इज नो चेंज, जिसके अंदर जिस सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजेस होते नहीं है उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। डायनेमिक इन द सेंस टाइम टू टाइम की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो एज पर यूजर रिक्वायर्ड हम क्या करें सिस्टम के अंदर नंबर्स ऑफ चेंजेस वैरायटी ऑफ एन कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले, दैट इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक सिस्टम। की डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमारी क्या है डायनेमिक, कि आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि इन द सेंस कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन जो आप अभी डेली की लाइफ में यूज करते हो, सो हर एक चीज डायनेमिक है, कि जैसे कि एज पर यूजर रिक्वायरमेंट उसके अंदर नंबर्स ऑफ चेंजेस हो रहे हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, कि जैसे लाइक उसका फाउंड का साइज, स्टाइल जो भी होगा, कि या कलर्स वगैरह, कि हर एक माइनूट से माइनूट चीज हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे चेंज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। दैट इज एन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज आर अ डायनेमिक। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर ओवरलेयर नेटवर्क। ओके, ओवरलेयर नेटवर्क मीन्स व्हाट, इट इज एन अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट बिल्ड ऑन अ टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। स्पेसिफिक एक नेटवर्क हम डिजाइन करेंगे फॉर अनदर नेटवर्क, दैट इज ओवरले नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन द सेंस क्या होगा कि मल्टीपल डिवाइस का एक नेटवर्क, एक कनेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे, दैट इज अ नेटवर्क क्रिएट करेंगे ओवर ऑन इंटरनेट या अनदर कोई नेटवर्क होगा उसके ऊपर हम परफॉर्म करने वाले। सो दैट इज एन ओवरले नेटवर्क इज एन कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज अ लेयर ऑफ अनदर नेटवर्क दैट इज एन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। लाइक आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी नेटवर्किंग का आपका एप्लीकेशन ले सकते हो, उस एप्लीकेशन के अंदर कि जैसे कि वो एप्लीकेशन जो हो उसका एक अलग से नेटवर्क होगा, नेटवर्क इन द सेंस नंबर्स ऑफ डिफरेंट कनेक्टेड यूजर्स दैट इज अ नेटवर्क। वो कहाँ पे होगा कनेक्ट, कि ओवर एन इंटरनेट, इंट्रानेट या दूसरा कोई नेटवर्क होगा उसके ऊपर कनेक्टेड होने वाले। सिमिलर इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, फॉर एन एग्जाम्पल दैट इज एन पीयर टू पीयर एंड ओवर आईपी। ओके, वॉइस ओवर आईपी, ये दो एग्जाम्पल आप बेसिकली आपके
डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए देख सकते हो। देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं दैट इज एन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं लिस्ट देखते हैं। सो फर्स्ट दैट इज द नो शेयर क्लॉक, ऑर्डर टू इवेंटली लॉजिकली क्लॉक आर अचीव्ड बाय अ सिंक्रोनाइजेशन, जो भी डिफरेंट नंबर्स ऑफ टास्क परफॉर्म होंगे बाय अ सिंक्रोनाइजेशन मेथड, कि यहाँ पे हमें स्पेशली कोई भी क्लॉक असाइन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली या वाया लॉजिकली पर्पस वो क्या होने वाले क्लॉक सिंक्रोनाइज होंगे एंड जो भी एक्शन परफॉर्म होने वाली है वो परफॉर्म हो जाएगी। सेकेंड नो शेयर्ड मेमोरी, द स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम एंड किस स्टेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम, जैसे लाइक इस नो शेयर्ड मेमोरी की जितने भी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस है कि डिफरेंट लोकेशन के ऊपर होने वाले डिफरेंट उनके जो हार्डवेयर्स होने वाले तो उसकी वजह से इस सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड वाया ओवर एन इंटरनेट। सो जो एक्चुअल फिजिकल मेमोरी होगी या एक्चुअल स्टोरेज होगा वो शेयर हम नहीं करेंगे, दैट इज नो शेयर मेमोरी। देन नेक्स्ट दैट इज अ कॉन्करेंसी, द टास्क आर एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, जितने भी नंबर्स ऑफ टास्क होंगे हमारे पास वो हम कॉन्करेंटली यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ये कॉन्करेंसी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन मीन्स फॉर द कॉन्करेंसी मीन्स द मल्टीपल कंप्यूटेशनल आर हैपन एट द सेम टाइम, मल्टीपल टास्क हम क्या करेंगे एट द सेम टाइम एट द सेम मोमेंट ऑफ पीरियड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इन द सेंस एट अ टाइम 10 टास्क 20 टास्क जो भी हमारे सिस्टम के ऊपर परफॉर्म करने उतने नंबर्स ऑफ टास्क हम यहाँ पे क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे। देन हेट्रोजीनियस एंड लूज कपलिंग, ओके दो टाइप्स होते हैं इसके अंदर भी, जस्ट लाइक कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस इन द सेंस सेम ऑपरेटिंग सिस्टम सेम टेक्नोलॉजी एंड हेट्रोजीनियस इन द सेंस ऑब्वियसली not require a different operating system and technology. Just like heterogeneous in the sense कि कोई भी operating system होगी, just like same operating system चाहिए same application चाहिए doesn't matter, कि just like कोई भी आप application दे सकते हो कि same application आपके android के operating system के ऊपर perform होता है, same technology से आप linux के ऊपर perform कर सकते हो, विंडोज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो या जो एप्पल होगा उसके ऊपर परफॉर्म करते हो सेम एप्लीकेशन, दैट इज डज नॉट रिक्वायर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। देन सेकेंड टास्क या सेकेंड जो मीनिंग दिया जैसे लूज कपलिंग एंड टाइट कपलिंग, सो लूज कपलिंग इन द सेंस कि डज नॉट डिपेंड ऑन एनी टेक्नोलॉजी और एनी सॉफ्टवेयर, सो दैट इज वी कॉल ए लूज कपलिंग। इफ ओ आर डिपेंडेंट देट वी कॉल एज अ टाइट कपलिंग, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि लूज कपलिंग इन द सेंस वो डिपेंडेंट नहीं कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम या स्पेसिफाई टेक्नोलॉजी यूज करना है, सो दैट इज वी कॉल एज अ टाइट कपलिंग। एंड यहाँ पे डिपेंडेंस नहीं है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेसिफिकली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सो दैट इज एन लूज कपलिंग characteristics. Then move on karte, so that is the evolution of a distributed system technology in 1950s to 2010. Just like aapko diagram dikh rahi hogi, diagram ke andar show ho raha hai ki 2010 tak in 1956 there are four different categories bhi yahan pe diye, ki just like first milestone that is the mainframe, second cluster, third grid and fourth is the cloud. Okay, so one by one हर एक milestone को देखते हैं। So first milestone, okay milestone जैसे हर किसी को पता है कि जैसे लाइक आप रोड पे ट्रैवल करते हो, सो milestone जैसे हर एक miles के ऊपर या जैसे लाइक kilometers हम count करते हैं तो kilometers के ऊपर कि जैसे लाइक 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर्स जो दिया जाता है उसको milestone बोलते हैं। Then तो फर्स्ट माइलस्टोन स्टार्ट कब होता है, इन द 1950s पे क्या स्टार्ट हो रहा है, दैट लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, इन अ मेन फ्रेम कंप्यूटिंग क्या हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, ओके
मेनफ्रेम सिस्टम इन 1950s। सो किसने डेवलप किया है? यूनिवर्स के दिस इज द फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। दिस इज अ लार्जर कंप्यूटिंग फैसिलिटी एंड मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट। द मेन फ्रेम पावरफुल हाईली रिलायबल कंप्यूटर स्पेशलाइज फॉर अ लार्ज सिस्टम। ओके, जो लार्ज डेटा होगा या लार्ज डेटा मूवमेंट के लिए मैसिव इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम हमारा मेन फ्रेम सिस्टम यूज करते थे। दे वेयर मोस्टली यूज बाय अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर बल्क ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। कि जो बल्क ऑफ डेटा प्रोसेस करना होगा, बल्क ऑफ टास्क परफॉर्म करना होगा, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए आप देख सकते हो जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड द अदर ऑपरेशन इन्वॉल्विंग फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा। कि ये सारे टास्क के लिए हमें क्या लगता था? मेन फ्रेम कंप्यूटिंग यूज होता था। इवन दो द मेन फ्रेम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, दे ऑफर अ लार्ज कंप्यूटेशनल पावर बाय यूजिंग अ मल्टीपल प्रोसेसर विच वेयर प्रेजेंट एज अ सिंगल एंटिटी टू यूजर। वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ मेन फ्रेम वॉज द एबिलिटी टू हाईली रिलायबल कंप्यूटर दैट वेयर ऑलवेज ऑन एंड कैपेबल टू टॉलरेंस फेल्योर ट्रांसपेरेंसी। कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ले, जस्ट लाइक जितने भी नंबर आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपको देना होगा प्रोसेस करने के लिए। सो इन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, द फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर आप इजीली दे सकते हो। दैट इज एन सिंपल है, ट्रांसपेरेंट सी प्रोवाइड कर रहा है कि कोई भी फेल्योर इसके अंदर आ रहा है तो उसको टॉलरेंस करने की कैपेबिलिटी इस मेन फ्रेम के अंदर है। देन फेल्योर ट्रांसपेरेंसी है कि जैसे कि कोई भी फेल्योर हो रहा है तो उसको इजीली हम उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। सो दैट इज एन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो नो सिस्टम शट डाउन वॉज रिक्वायर टू रिप्लेस अ फेल्ड कंप्यूटर कंपोनेंट। कि जैसे कोई भी पार्ट इसके अंदर फेल हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए कि हमें हमारे सिस्टम या मेन फ्रेम को यहाँ पे शट डाउन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। द सिस्टम कुड वर्क विदाउट इंटरप्शन। कि इफ कोई भी फाइल हमने देखा कि जैसे कि कोई हार्ड डिस्क खराब हो गए उसमें से, तो हमें उसको चेंज करने के लिए स्पेसिफिकली हमारे सिस्टम को शट डाउन करना रिक्वायर्ड नहीं है। विदाउट शट डाउन योर सिस्टम हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपको चेंजेस करने होंगे यहाँ पे कर सकते हो। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इसके अंदर दैट इज बैच प्रोसेसिंग। कि बैच प्रोसेसिंग हर किसी ने सुना होगा। तो बैच प्रोसेसिंग वॉज द मेन एप्लीकेशन ऑफ मेन फ्रेम सिस्टम। ओके, तो बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? एनीबडी? बैच प्रोसेसिंग इज द सिस्टम दैट हैंडल द अमाउंट ऑफ डेटा विच प्रोसेस ऑन अ रूटीन शेड्यूल। द प्रोसेस इज ऑकर वेन आफ्टर द इकोनॉमिक इवेंट इज ऑकर एंड रिकॉर्डेड। कि वन बाय वन जितने भी नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड आपको एग्जीक्यूट करने, नंबर्स ऑफ इवेंट एग्जीक्यूट करने, तो बैच प्रोसेसिंग से वन बाय वन, बैच वाइज बैच। कि बैच वन, बैच टू, बैच थ्री, जैसे लाइक आपका कोई एग्जाम सेशन होता है तो बैच वाइज होता है। सेम यहाँ पे कि जितने भी नंबर्स ऑफ इवेंट्स ऑकर होने वाले या आपको प्रोसीड करने, तो वो क्या करेगा आप वन बाय वन, दिस इज अ बैच प्रोसेसिंग टेक्निक्स, इसके अंदर आप यूज करेंगे फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन डिस्ट्रीब्यूट मेन फ्रेम सिस्टम। Now they are populately and deployment have reduced, but involve a various such system are still uses as transition processes. कि अभी जैसे कि 1950s की कोई चीजें अभी 2021 चालू है, सो उसके अकॉर्डिंगली उसकी पॉपुलरिटी कम हुई, बट अभी भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसे सिस्टम्स है, ऐसे एंटरप्राइज है, वो क्या कर रहे हैं हमारे मास्टर या मेन फ्रेम सिस्टम को अभी भी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट माइलस्टोन दैट इज एन क्लस्टर कंप्यूटिंग। ओके, और वी कॉल एज ओनली क्लस्टर।
तो क्लस्टर्स क्या होता है? द क्लस्टर कंप्यूटिंग इज स्टार्टेड एट लो कॉस्ट अल्टरनेटिव टू यूज अ मेन फ्रेम, कि जो मेन फ्रेम सिस्टम था हमारा उसका अल्टरनेटिव इन अ लो कॉस्ट, कि सेम उसके फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करना है विथ एन लो कॉस्ट, कि इन लो कॉस्ट ऑफ मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, कि दोनों के जो एडवांटेज थे उस एडवांटेज को हम यहाँ पे यूज करेंगे विथ एन लो कॉस्ट. The technology advancement that create a faster and more powerful mainframe and supercomputer eventually generate an increased availability of cheap commodity machine as a side effect. The machine could then be connected by the high bandwidth network and controlled by a specific software tool that manage as the single system. कि जैसे कि इसके अंदर हमने क्या किया कि हम देख सकते हैं कि जैसे मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के लिए आपने देखा होगा, इफ आपने देखा नहीं होगा तो आप गूगल कर सकते हो, उसके ऊपर आप उसके डायग्राम देख सकते हो कि जैसे कि जो प्रीवियस सिस्टम थे उसकी जो साइज थी, ओके, सो साइज या प्राइस देख सकते हैं दोनों भी बहुत हाई थे. सो उसके अकॉर्डिंगली हमें अभी क्या करना है, क्लस्टर्स इन द सेंस कि उसकी साइज रिड्यूस करनी है या उसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज करना है या नेटवर्क की स्पीड इंक्रीज करना है विद एन हाई बैंडविड्थ जो नेटवर्क थे हमें यूज करना है. उस पर्पज के लिए हमने क्या किया, जो नया न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज एन क्लस्टर कंप्यूटिंग यहाँ पे हमने उसको यहाँ पे ले लिया. सो इन स्टार्टिंग इन 1980 द क्लस्टर बिकम अ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी फॉर पैरेलल एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इन 1980s. सो ये स्टार्ट कब हुआ एक्चुअल, इन स्टैंडर्ड वे इन 1980s में विथ पैलर एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बिल्ड बाय द कमोडिटी मशीन दे वेयर चिपर देन द मेन फ्रेम एंड मेड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अवेलेबल टू अ लार्ज नंबर्स ऑफ ग्रुप इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी एंड स्मॉल सर्च लैब. कि जैसे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ सिस्टम थी, ओके, जैसे कि जो मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर था उससे भी थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस था हमारा इंक्रीज हो गया, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड कर लेंगे विद एन लार्ज ग्रुप, ओके, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप उसको एट ए टाइम यूज कर सकता था, दैट इज एन क्लस्टर्स हमने उसको नेम दे दिया. द क्लस्टर टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूट अ कंसिडरेबल टू इंक्लूडिंग considerable to involution of tools and framework for a distributed computing include a parallel virtual machine message passing interface. जो clusters technology हमारे पास थी, इन cluster technology use करके हमने specifically environment generate किया और framework generate किया for a distributed computing. इसके accordingly जो हमारा पहले वर्चुअल मशीन कंसेप्ट था वो भी हमने इसके अंदर जनरेट किया एंड जो मैसेज पासिंग इंटरफेस ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इसके अंदर हमने जनरेट की फॉर एन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. तो वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ ए क्लस्टर वॉज दैट द कंप्यूटेशनल पावर ऑफ कमोडिटी मशीन कुड बी टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट वेयर previously manageable only on expansion supercomputer. कि जो problem हमें solve करना है, okay? just like normal हमारे supercomputer के अंदर हमने ही solve किया था, उसके अलावा कहाँ पे भी solve नहीं किया था, वो problem होता हमारे easily and fast way में हमने क्या किया, हमारे clusters के अंदर solve कर दिया. okay? problem means just like example हम लेते, just like algorithm की definition हम सभी को familiar होगी कि एल्गोरिदम मीन्स वॉट द स्टेप बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म, जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इज एन एल्गोरिदम. सेम यहाँ पे कि जैसे कि प्रॉब्लम मीन्स कोई भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है तो उसका जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा. सो क्लस्टर से हम क्या करते हैं उसको फास्ट वे में कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको मैनेज कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं. देन थर्ड माइलस्टोन that is then grid computing or grid. So grid computing is appear in the early of 1990s
एज द इवोल्यूशन ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग, कि जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा 1990, सो उसके बाद हमारा उसके स्टार्टिंग में अर्लियर ऑफ 1990s, सो यहाँ पे हमारा क्लस्टर्स कंप्यूटिंग की इवोल्यूशन के बाद ग्रिड कंप्यूटिंग यहाँ पे आ गया. इन एन एनालॉग और पावर ग्रिड, ग्रिड कंप्यूटिंग प्रपोज अ न्यू अप्रोच टू एक्सेस अ लार्ज कंप्यूटेशनल पावर, ह्यूज स्टोरेज फैसिलिटी एंड वैरायटी ऑफ सर्विसेज. यूजर कैन कंज्यूम अ रिसोर्स इन अ सेम वे एज दे यूज अनदर यूटिलिटी सच एज पावर, गैस, वाटर. कि जैसे कि ग्रिड क्यों यूज हुआ, कि ग्रिड में क्या टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, कि नॉर्मली एग्जांपल देखते हैं कि इफ आप सभी को पता होगा कि जैसे कि आपने 128 MB का मेमोरी कार्ड देखा होगा, MB बोल रहा हूँ, GB नहीं, के मेगाबाइट, 128 MB, तो उसका जो साइज ऑफ 128 MB का जो मेमोरी कार्ड होगा उसकी साइज एंड अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 2021 के अंदर 128 GB, ओके, या 1 TB का भी आप मेमोरी कार्ड दे सकते हो, तो उसकी साइज कितनी की इन कंपेरेटिवली 128 GB या 1 TB की जो मेमोरी कार्ड की साइज होगी एज कंपेयर ऑफ 128 MB बहुत स्मॉल है. ओके, सो ए एडवांटेज क्यों हुआ, वाई, बिकॉज ऑफ एन ग्रिड कंप्यूटिंग, की जो भी साइज, ओके, पावर ग्रिड, कि ग्रिड इन द सेंस जो कंसेप्ट आपने देखा होगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि अपने सोलर पैनल का भी एग्जांपल आपको पता होगा कि जैसे सोलर पैनल को इफ आपने ग्रिड प्रोवाइड नहीं किया, विदाउट ग्रिड वाला आपने इफ सोलर पैनल लिया, तो जब तक पूरे कंप्लीट सोलर पैनल के ऊपर सनलाइट नहीं आएंगे तब तक वो कोई भी चार्ज नहीं सेव करेगा या कोई भी लाइट सेव नहीं करेगा. उसको सेव करने के लिए हमने क्या किया कि उसके अंदर ग्रिड क्रिएट किए, तो इफ जो स्पेसिफिक जो स्मॉल ग्रिड होगा हमारा उसके ऊपर भी सनलाइट आ गई तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, जो भी एनर्जी स्टोर करना है वो एनर्जी स्टोर करेगा. दैट इज सेम मैकेनिज्म हमने ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर किया, जैसे कि जो पावर रिसोर्स एज स्टोरेज जो भी हम यूज करें उसको एज अ ग्रिड, जैसे कि नंबर्स ऑफ कोर्स हमारे प्रोसेसर के अंदर ऐड हो गए या जो साइज ऑफ यूअर डिवाइस किस तरह से कम हो गए, तो ये सारे मैकेनिज्म हम देख सकते हैं वाया ग्रिड हमें यहाँ पे देखने को लिए मिल रहे हैं. सो ग्रिड के अंदर देखते हैं और थोड़ी सी चीजें. सो ग्रिड इन द सेंस द सेवरल डिप्लॉयमेंट मेड पॉसिबल अ डिफ्यूजन ऑफ एन ग्रिड. दिस क्लस्टर्स बिलोंग टू अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट विद अ मेड among them a shared computational power different from a large cluster. A computing grid is a dynamic aggregation of heterogeneous computing node and scale over the national wide and even a worldwide. It's just like ki yahan pe kya ho raha hai, ki grid in the sense ek aur ek example dekhte hain, okay, just like ki google drive aap sabhi log familiar ho gaye almost, कि क्योंकि बिकॉज ऑफ गूगल ड्राइव, गूगल के जो फीचर्स है उसकी वजह से हम ये जो वीडियो है वो वीडियो देख रहे हैं. सो गूगल ड्राइव क्या हमें प्रोवाइड करता है कि जैसे हर एक यूजर को मिनिमम 15 GB फ्रीली यूज करने के लिए देता है. सो उस 15 GB के लिए स्पेसिफिकली कोई भी ड्राइवर्स होगा कि उसके लिए हमें एक हार्ड डिस्क तो असाइन नहीं करने वाला. सो वो क्या करेगा कि गूगल क्या यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जैसे जो भी आपको परफॉर्म करना होगा, एक्टिविटी परफॉर्म करनी या जो भी डेटा स्टोर करना होगा, तो वर्चुअली जो आपने क्रिएट किया होगा कि एक सेम सिस्टम, एक हार्ड डिस्क होगी, उसके अंदर नंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रिड्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं जस्ट लाइक प्रोवाइड किए, तो उसके अकॉर्डिंगली कि सेम हार्ड डिस्क के ऊपर जितने मल्टीपल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे उतने आप पार्टीशन कर सकते हैं एंड वहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं. दैट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ ग्रिड. देन लास्ट यहाँ पे जस्ट लाइक आपको दिख रहा होगा दैट इज एन क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, ये क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी कब इन्वेंट हुई, इन 2003-4-5, ओके, इसके अकॉर्डिंगली रेंज के अंदर आप देख सकते हो जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई दैट इज एन क्लाउड कंप्यूटिंग. तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि जो स्पेसिफिकली
हमारे जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसका नाम है दैट इज एन क्लाउड कंप्यूटिंग। सो इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑफ्टेन कंसीडर अ सक्सेसफुल ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, कि जो ग्रिड कंप्यूटिंग था उसका सक्सेस, इन द सेंस ग्रिड कंप्यूटिंग कंप्लीटली हमने यूज किया इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग। इन रियलिटी इट्स एम्बॉडिंग एक्सेप्ट ऑल द थ्री मेजर टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग क्लाउड आर डिप्लॉय अ लार्ज डेटा सेंटर होस्टेड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड अ सर्विस टू अदर। द क्लाउड आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फैक्ट ऑफ हैविंग अ वर्चुअली इन्फिनिटी कैपेबिलिटी, बींग अ टॉलरेंस ऑफ फेल्यूअर एंड बींग ऑलवेज ऑन। द क्लाउड कंप्यूटिंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ फैक्ट हैविंग अ वर्चुअल इन्फिनिटी कैपेबिलिटी, बींग अ टॉलरेंस ऑफ फेल्यूअर एंड बींग ऑलवेज ऑन। जैसे कि ये जो हमारा क्लाउड होगा वर्चुअली इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी स्टोरेज इसके अंदर होने वाला, कि जो कभी भी खत्म नहीं होगा। इट्स लाइक फॉर टॉलरेंस, की कोई भी फेल्यूर्स हो गए तो उसको हम यहाँ पे टॉलरेंस कर सकते हैं, एंड इसको हम 24/7 ऑलवेज ऑन रहने वाला है। दैट इज एन क्लाउड कंप्यूटिंग ये सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड करेगा। देन लास्ट इसके अंदर रहते हैं सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ क्लाउड वेंडर आर कंज्यूम ऑन पे पर यूज बेसिस, या अकॉर्डिंग टू पेमेंट या अकॉर्डिंग टू यूज आपको पे करना, वाइस वर्सा। जैसे कि जितना आप पे करोगे उसके अकॉर्डिंगली यूज करोगे, या जितना यूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा। ये दोनों मैकेनिज्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अ क्लाउड फुल्ली इम्प्लीमेंट द यूटिलिटी विजन ऑफ इंट्रोड्यूस बाय अ ग्रिड कंप्यूटिंग, की ग्रिड कंप्यूटिंग के जो भी मेजर्स थे सभी फैक्टर्स हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर इन्वेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दी। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग लिए आपको कोई भी डाउट, क्वेरी या कोई सजेशन होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो फॉर एंड मोटिवेशन आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, जो कोई भी कमेंट होगा वो कमेंट कर सकते हैं, एंड फॉर अ फ्यूचर नोटिफिकेशन या फ्यूचर वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन है वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।